महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक पहला कदम है। कम से कम महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि महिला जो है 50% है आबादी की। आप पूरी तरह से राजनीति में नकारी गई है। तो हम कांग्रेस पार्टी में ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो सही चीज़ों पे फोकस होगा, और जो सरकार के पास फंड्स हैं, जो सरकार के पास साधन है, वो पूरी तरह से रोजगार देने में, किसानों की मदद में, लोगों की शिक्षा में, सेहत में लगाई जाएंगी। नहीं, आपने पूछा कि हम चुनाव के बाद अगर किसी अन्य पार्टियों को समर्थन देकर सरकार में शामिल होना चाहेंगे, तो मेरा जवाब ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा। ध्रुवीकरण में शामिल नहीं है। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं। अब वो जो मर्जी वो मांगेंगे, तब तक कोई नेता जवाबदेह बनेगा नहीं। तो मैं बार बार ये कहती हूँ, जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। ये जो जातिवाद है और जो सांप्रदायिकता है, इससे सिर्फ, और जो जानते हैं कि चुनाव के सामने आपके पास आएंगे और सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म को के आधार पर उनको वोट मिल जाएगा। आप नेता हैं, आपको मालूम है कि 5 साल बाद आप उस मोहल्ले में जाएंगे, आपको तो वोट मिलना है। तो फिर आप उसका नल क्यों लगवाएंगे, उसकी सड़क क्यों बनवाएंगे, उसकी पाठशाला क्यों बनवाएंगे, उसके लिए कुछ करेंगे क्यों, जब आपको मालूम है, ये निश्चित है कि आपको वोट मिलने वाला है जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। तो मैं कह रही हूं कि ये सब चीजें ठीक है, लेकिन जब चुनाव की बात होती है, जब सरकार बनाने की बात होती है, तब जवाबदेही मांगिए और विकास पर आधारित अपना वोट दीजिए। बार बार कह रही हूं, यही हमारा पिच है, हम सब जगह जाकर यही बात कर रहे हैं, और लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं कि ये सही बात है। अब बदलाव लाएंगे कि नहीं, ये तो जनता के हाथों में। हमने जो अपना डोर टू डोर कैंपेन था, उसको काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसके अलावा जो हम टाउन हॉल्स वगैरह कर रहे थे, जो फिज़िकल थे, अब वो वर्चुअल हो गए हैं और शायद शुरू भी हो गए हैं, ऑनलाइन आ गए हैं, फेसबुक पे लाइव होते हैं, फेसबुक लाइव्स कर रहे हैं। तो हमने जितना हम ऑनलाइन कर सकते हैं उसका प्रयास हम कर रहे हैं, और डोर टू डोर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक पहला कदम है, और जैसा भी परफॉर्म करें वो सशक्त होंगी इस कदम से। और ये एक ऐसा कदम है जो मेरे ख्याल से अंत में हर प्रदेश में अंत में मानना पड़ेगा कि 40% कम से कम महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि महिला जो है 50% है आबादी की। आप पूरी तरह से राजनीति में नकारी गई है, तो उसका हक है कि उसको नकारा ना जाए, और उसको सशक्त करना हमारा कर्तव्य है। तो बिल्कुल कोई भय नहीं है। मैं यूपी की प्रभारी हूँ, मैंने यहाँ पे एक पहल की है। ये एक ऐसा कदम है जो, और एक बहुत बड़ा निर्णय है, छोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत बदलाव की ज़रूरत है। तो ये एक पहल है देश के सबसे बड़े प्रदेश में। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को, ऐसे परिवर्तन जो हैं, इनमें समय लगता है, और समय आने पर बाकी प्रदेशों में भी होगा जैसे मैंने कहा। लेकिन हमने यहाँ पे पहल करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक सफल प्रयास भी रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, जबकि महिलाओं की कोई बात ही नहीं हो रही थी, सबसे बड़ा फ्लैगशिप आपका जो प्रोग्राम था महिलाओं के लिए भाजपा सरकार का, था कि एक गैस सिलेंडर दे दीजिए 1 साल में, और महिलाओं को हमने निपट लिया है। अब ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं कह सकता। अब आपने देखा है कि क्योंकि हमने ये पहल की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे मोदी जी की सिर्फ महिलाओं वाली जो रैलियां हैं, ये सब पहली बार हो रही हैं, पहली बार घोषणाएं कर रहे हैं महिलाओं के लिए। तो ये ऑलरेडी एक सफलता है, और हमें पहचानना चाहिए कि एक बहुत बड़ा कदम है, सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक कदम है। और इस कदम को लेने के बाद मेरे ख्याल से महिलाओं को इस देश में नकारा नहीं जा सकेगा। तो प्रियंका ने बोला सही है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। और जिन नॉर्मली कांग्रेस पार्टी में हम ऊपर से अपने स्टेट्स को ऑर्डर नहीं देते हैं, अगर कोई आइडिया स्टेट से निकल के आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, पर जनरली हम ये कभी नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमने ये किया है तो सब स्टेट्स को करना पड़ेगा। ये हमारा तरीका नहीं है। नहीं, आपने पूछा कि हम चुनाव के बाद अगर किसी
अन्य पार्टियों को समर्थन देकर सरकार में शामिल होना चाहेंगे, तो मेरा जवाब ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई भी और हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या कुछ ऐसा हम सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे कि जो हमने एजेंडा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यहाँ पे हमने जो आप सबको बताया है, जो हमारा एजेंडा है, वो हम पूरा कराएंगे। तो हम चाहेंगे कि वो एजेंडा पूरा हो। के पास सुविधाएं नहीं है, आपके पास, आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, साधन नहीं है कंप्लीट करने का। एक्चुअली सच्चाई है कि है, आप करना नहीं चाहते। तो हम कांग्रेस पार्टी में ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो सही चीज़ों पे फोकस होगा और जो सरकार के पास फंड्स हैं, जो सरकार के पास साधन है, वो पूरी तरह से रोजगार देने में, किसानों की मदद में, लोगों की शिक्षा में, सेहत में लगाई जाएंगी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।